हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक पोएम जिसका नाम है द लेबनान टॉप, जो कि रिटन बाई है टेड ह्यूजेस के द्वारा। और इस पोएम के हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह जो है यहाँ पर स्टेंजा लिया गया है, ये रेड बॉक्स में यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये स्टेंजा है। इस स्टेंजा के अनुसार ही नीचे प्रश्न पूछा गया है। चूँकि मैं स्टेंजा को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि पूरी पोएम को अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आप उसको उस वीडियो को न देखे हैं तो उसको देख लें, तो शायद ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि What is the engine of her family? कह रहा है कि उसके परिवार का इंजन क्या है, उसके परिवार का इंजन क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि the nest with the little ones, कह रहा है कि nest घोंसला जो है with the little ones, छोटे छोटे बच्चों के साथ वह घोंसला जो है is the engine of the goldfinch family। कह रहा है कि वह goldfinch के परिवार का इंजन है। goldfinch के परिवार का इंजन क्या है? कह रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ जो नेस्ट है, मतलब घोंसला उसके बच्चों के साथ, वो जो है गोल्डफिंच के परिवार का इंजन है। दे स्टार्ट चिरपिंग एंड फ्लटरिंग, कह रहा है कि दे स्टार्ट चिरपिंग, वो चहचहाने लगते हैं, फ्लटरिंग और फड़फड़ाने लगते हैं देयर विंग्स, अपने पंखों को। कह रहा है कि दे स्टार्ट चिरपिंग, वे चहचहाना प्रारंभ करते हैं, फ्लटरिंग देयर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। टू सी देयर मदर विथ फूड, कह रहा है कि अपने माँ को भोजन के साथ देख कर। तो इससे क्या होती है कि एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए जैसे जब इंजन चालू होता है तो पूरी मूवमेंट दिखाई देने लगती है, उसी तरह जो है वो पेड़ पूरा सजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि व्हाई डज द बर्ड फ्लट आउट टू ए ब्रांच, कह रहा है क्यों जो है पक्षी फ्लट आउट टू ब्रांच, एक ब्रांच, सॉरी फिर से देखिए, कह रहा है कि व्हाई डज द बर्ड फ्लट आउट टू ए ब्रांच एंड, कह रहा है कि क्यों जो है पक्षी जो है एक ब्रांच के एंड पर, मतलब एक शाखा के सिरे पर बैठ जाता है। शोइंग हर बार्ड फेस का मतलब धारीदार चेहरा, कह रहा है अपनी अपना धारीदार चेहरा दिखाते हुए। आइडेंटिटी मास्क जो कि उसके पहचान का मुखौटा होता है। बरा मैं फिर से बता दूं इसको, कह रहा है कि वाई, क्यों डज द बर्ड फ्लट आउट टू ए ब्रांच एंड, क्यों जो है वह पक्षी एक शाखा के सिरे पर बैठ जाता है, एंड मीन सिरा। शोइंग हर बार्ड फेस मतलब धारीदार चेहरा, उसके चेहरे पर धारियां होती। कह रहा है कि अपने धारीदार चेहरे को दिखाते हुए आइडेंटिटी मास्क, कह रहा है कि एक पहचान वाले मुखौटे की तरह। देखिए इसका आंसर है, कह रहा है कि द बर्ड इज वेरी कॉशस, कह रहा है कि जो पक्षी बहुत कॉशस होती है, मतलब बहुत सचेत होती है। About the safety of her young ones, कह रहा है कि अपने छोटे छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए, मतलब अपने छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए वो बहुत सचेत होती है। यहाँ यंग वंस का मतलब बच्चे। She also reveals her identity to the babies, कह रहा है कि वह जो है रिवेल्स, जो उन्हें प्रकट करना, और आइडेंटिटी मीन्स पहचान, कह रहा है कि वह अपने बेबीज को, मतलब अपने बच्चों को जो अपनी पहचान प्रकट करती है। By showing her bald face, अपने धारीदार चेहरे को दिखाकर, मतलब वह दिखाती कि ताकि मुझे पहचान लो, मेरे स्थान पर कोई जो है कोई दुश्मन पशु पक्षी यहाँ पर न आ जाए, इसलिए वो अपने चेहरे को दिखाती है। इट इज़ द मार्क ऑफ रिकॉग्निशन, कह रहा है कि यह जो है मार्क मीन्स चिन्ह होता है, कह रहा है यह उसके पहचान का चिन्ह होता है। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान। एंड रिमाइंड्स देम, और उन्हें याद दिलाता है, दैट की सी इज देयर मदर, कि वह उसकी माँ है। अर्थात वह जो है बच्चे उसके धारीदार चेहरे को देख करके ही उसको पहचानते हैं। अब देखिए एक स्टेंजा ये भी है आपके सामने, ये स्टेंजा है, इस स्टेंजा को पढ़ दीजिए आप, उसके बाद नीचे जो है आंसर दीजिए। स्टेंजा को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पूरी पोएम को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसने पूछ रहा है कि वाई इज़ द लेबनान टॉप साइलेंट, कह रहा है कि जो लेबनान टॉप है वह साइलेंट क्यों है, शांत क्यों है, जो लेबनान पेड़ की जो टॉप है, जो चोटी, वह शांत क्यों है। इसका आंसर है कि द टॉप ऑफ द लेबनान ट्री इज साइलेंट,
कह रहा है कि जो लेबनान ट्री का जो टॉप है, जो सिरा है, वो शांत है बिकॉज क्योंकि द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच आर एंग्शियसली वेटिंग फॉर देयर मदर विथ फूड. क्योंकि करेक्ट, क्योंकि द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच, क्योंकि गोल्डफिंच पक्षी के जो जो छोटे बच्चे हैं, करेक्ट, कि आर एंग्शियसली वेटिंग, करेक्ट, कि वह जो है बहुत उत्सुकतापूर्वक जो है इंतजार कर रहे हैं फॉर देयर मदर, अपनी माँ का विथ फूड, भोजन के साथ. वह पेड़ से शांत है क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं गोल्डफिंच के, वो अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं ताकि कि उसकी माँ भोजन लेकर के आए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एलो इन द पोएम. कह रहा है कि उस कविता में एलो का क्या महत्व है. एलो शब्द उसमें आया है, गोल्डफिंच भी एलो कलर की होती है, और वह जो लेबनान ट्री है उसके जो फ्लावर्स हैं वो भी एलो कलर के हैं, और पत्तियां भी जो है वो टर्न होकर के एलो हो गई हैं. तो इसका आंसर है, बोथ द लेबनान ट्री एंड द गोल्डफिंच फीदर आर एलो. कह रहा है कि सॉरी इन कलर, इसमें कह रहा है कि बोथ द लेबनान ट्री, दोनों द लेबनान ट्री एंड द गोल्डफिंच फीदर, और गोल्डफिंच के पंख जो है आर एलो इन कलर, कह रहा है वे रंग में पीले रंग के हैं, वे कलर में पीले हैं. सो इस प्रकार द बेबीज एस्केप बीइंग नोटिस्ड बाय एनी प्रेडेटर विथ दिस इफेक्ट. कह रहा है कि इस प्रकार जो द बेबीज, जो बच्चे हैं एस्केप, वह बच जाते हैं बीइंग नोटिस्ड बाय एनी प्रेडेटर. प्रेडेटर मतलब होता है दुश्मन पशु या पक्षी. कह रहे हैं, कह रहे इसमें किसी दुश्मन पशु या पक्षी के देखे जाने से. कह रहे हैं इसमें फिर से बता दूं, कह रहा है कि सो कह रहा है इस प्रकार द बेबीज, जो बच्चे होते हैं इसके बीइंग नोटिस्ड, कह रहा है कि वह ध्यान देने से बच जाते हैं, मतलब दिखाई देने से बच जाते हैं किसी द्वारा, बाय एनी प्रेडेटर, किसी भी दुश्मन पशु पक्षी के द्वारा, विद दिस इफेक्ट, इस प्रभाव के कारण. किसके प्रभाव के कारण, मतलब उस पीले रंग के प्रभाव के कारण. वो पेड़ भी पीला होता है, पक्षी पीला होता है, इसलिए वो जो दुश्मन पशु पक्षी होते हैं या शिकारी पशु पक्षी होते हैं, शिकारी भी कर सकते हैं, वो उन पर ध्यान नहीं देते और वह बच जाते हैं. नहीं तो अगर वो ध्यान में आ जाए कि नहीं इस पर बच्चे, तो जा करके खा जाएंगे. कह रहा है कि दस इस प्रकार द येलो कलर, जो पीला रंग होता है, प्रोवाइड्स हाई सिक्योरिटी टू द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच. कह रहा है कि वह उस गोल्डफिंच पक्षी के बच्चों को जो है एक हाई सिक्योरिटी प्रदान करता है, एक उच्च सुरक्षा प्रदान करता है वह पीला रंग. अब ये देखिए एक नेक्स्ट मैसेज ये भी है, ठीक है, ये पूरा पे सॉरी ये स्टेंजा है, इस स्टेंजा को आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर को देखिए. देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट हैपेंस टू द लेबनम. कह रहे कि लेबनम के साथ क्या होता है, उस लेबनम ट्री के साथ क्या होता है व्हेन द गोल्डफिंच अराइव्स. कह रहे जब गोल्डफिंच आती है, जब गोल्डफिंच आती है तो उस लेबनम ट्री के साथ क्या होता है. इसका आंसर है कि दिस सडन अराइवल एंड मूवमेंट ऑफ द बर्ड. कह रहा है कि सडन अराइवल, सडन मीन्स अचानक और अराइवल मीन्स होता है आगमन, एंड मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स गति होती है. तो इसमें कह रहा है कि पक्षी का अचानक आगमन, उसकी गति जो है स्टीज द ट्री. कह रहा है पूरे पेड़ को हिला देती है, पूरे पेड़ को झकझोर देती है. हर लिटिल वंस, उसके छोटे छोटे बच्चे आर एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाते हैं टू सी द मदर, माँ को देखने के लिए. एंड दे स्टार्ट चिरपिंग, और वे चहचहाना प्रारंभ कर देते हैं. एंड फ्लटरिंग, और फड़फड़ाना प्रारंभ कर देते हैं देयर विंग्स, अपने पंखों को. वे अपने पंखों को वे चहचहाना प्रारंभ करते हैं और अपने पंखों को फड़फड़ाना प्रारंभ कर देते हैं अपनी माँ को देखकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाई इज द गोल्डफिंच स्टीलिंग इनटू हर नेस्ट. कह रहा है क्यों जो गोल्डफिंच पक्षी स्टीलिंग, मैंने चुपके से, स्टीलिंग टू हर नेस्ट, अपने घोंसले में चुपके से जाती है. वाई डस सी एंटर द थिकनेस. थिकनेस में झुरमुट होता है. कह रहा है कि वह झुरमुट के अंदर क्यों प्रवेश करती है. गोल्डफिंच पक्षी जो है चुपके से अपने घोंसले के पास क्यों जाती है, और वह झुरमुट में क्यों प्रवेश करती है. झुरमुट मतलब जो पत्तियों और फूलों का जो झुरमुट है अंदर की तरफ. द कॉशस गोल्डफिंच. कह रहा है कि वह सचेत गोल्डफिंच एंटर्स द ट्री
उस पेड़ में प्रवेश करती है विथ ग्रेट केयर, बड़े ही सावधानी के साथ। कह रहा कि दैट जिससे नो प्रेडेटर, कोई भी शिकारी पशु या पक्षी वुड स्पॉट हर बेबीज, उनके बच्चों को ढूंढ सके या उनके बच्चों को देख सके। विच आर सिक्योरली हाउस्ड इन द नेस्ट, कह रहा कि विच आर सिक्योरली हाउस्ड इन द नेस्ट, जो उस घोंसले में सुरक्षित ढंग से रखी गई होती है, इसलिए वह चुपके जाती है कि कोई शिकारी पशु या पक्षी उसको न देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द मशीन, कह रहा है वह मशीन क्या है दैट स्टार्ट्स अप, जो चलना आरंभ हो जाती है विद द अराइवल ऑफ द बर्ड, पक्षी के आगमन के साथ। अराइवल मीन्स आगमन होता है। कह रहा है कि वह मशीन क्या है जो पक्षी के आगमन के साथ ही क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, मतलब चलना प्रारंभ हो जाती है। इसका आंसर है कि एज द बर्ड अराइव्स, कह रहा है जो ही पक्षी आती है, मतलब गोल्डफिंच पक्षी आती है वहाँ पर, हर लिटिल वंस, उसके छोटे छोटे बच्चे, बिकम एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाते हैं टू सी दी मदर, माँ को देखने के लिए, एंड दे स्टार्ट चिरपिंग, और वे चहचहाना प्रारंभ कर देते हैं, एंड फ्लटरिंग देयर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाना प्रारंभ कर देते हैं, टू गेट फूड फ्रॉम देयर मदर, अपनी माँ से भोजन को प्राप्त करने के लिए। इट सिम्स ऐसा प्रतीत होता है एज द मशीन स्टार्टअप, की मशीन स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर टू, कह रहा है कि उस पक्षी की मूवमेंट, जो पक्षी की गति है उसकी तुलना किससे की गई है। कंपेयर मीन्स तुलना करना, तो पक्षी की मूवमेंट की तुलना किससे की गई है, उसकी गति की तुलना किससे की गई है। देखिए इसका आंसर है कि द बर्ड्स मूवमेंट से, कह रहा है कि पक्षी की तुलना इस कंपेयर टू ए लिजार्ड, एक छिपकली से की गई है। इट इज स्लीक, चिकना होता है, अब्रप्ट तेज होता है, एंड अलर्ट लाइक ए लिजार्ड, और एक छिपकली की तरह जो है, एक छिपकली की तरह सचेत होता है। तुलना उसकी उस गति से की गई है जब वह डाल पर बैठती है और बहुत सावधानी से चुपके से जो है अपने घोंसले की तरफ जाती है, ठीक जैसे कि छिपकली जो है जो अपने शिकार को पकड़ रहा होता है, तो उसकी बॉडी एकदम स्थिर रहती है और झटा और तुरंत जाता है, झट से अपने शिकार को पकड़ लेता है। देखिए अब ये लास्ट इसंजा है ये, ठीक है, इस इसंजा को पढ़ लीजिए, इसके अर्थ को समझिए, उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर करिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर डज द बर्ड फ्लाई टू, कह रहा है कि वह पक्षी उड़ करके कहाँ जाती है, वह पक्षी उड़ करके कहाँ जाता है। इसका आंसर है कि द बर्ड लिव्स इट्स बेबीज, कि जो पक्षी है अपने बच्चों को छोड़ देती है, एंड फ्लाइज इन सर्च ऑफ मोर फूड, और कह रहा है कि और अधिक भोजन की तलाश में उड़ जाती है, बिफोर दे फील हंग्री अगेन, उनके पुनः भूखे होने से पहले। एक बार मैं फिर से बता दूं इसको, कह रहा है कि द बर्ड लिव्स इट्स बेबीज, पक्षी अपने बच्चों को छोड़ देती है, एंड फ्लाइज और उड़ जाती है इन सर्च में होता है खोज में, इन सर्च ऑफ मोर फूड, और अधिक भोजन की खोज में, बिफोर दे फील हंग्री अगेन, उनके पुनः भूखे होने से पहले, मतलब वो पक्षी जो है अपने बच्चों के पुनः भूखे होने से पहले उन्हें छोड़ करके भोजन की तलाश में चली जाती है कि बच्चे फिर भूखे होंगे और उनके भूखे होने से पहले मैं उनको भोजन दे दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द लेबरनम, कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द लेबरनम, उस लेबरनम ट्री का के साथ क्या होता है, विद द मदर्स डिपार्चर, माँ के चले जाने के बाद, डिपार्चर में प्रस्थान होता है, मतलब जब माँ प्रस्थान कर जाती है, मतलब उस पेड़ को छोड़ के चली जाती है, तो उस पेड़ के साथ क्या होता है। इसका आंसर है कि विद द मदर बर्ड्स डिपार्चर, कह रहा है कि उस माँ पक्षी के प्रस्थान कर देने पर, मतलब उस माँ पक्षी के उस पेड़ के ऊपर से चले जाने के बाद, द लेबरनम ट्री बिकम्स काम एंड क्वाइट अगेन, तो वह जो लेबरनम ट्री है वह कह रहा है बिकम्स काम, वह काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट मतलब शांत, वह जो है लेबरनम ट्री पुनः जो है वह शांत हो जाता है, क्योंकि बच्चे उसके जब भोजन कर लेते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने बता दिया, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।